Hello everyone. In the previous lecture, we will discuss about the molecular rearrangement, its general introduction and classification of molecular rearrangement. Today's lecture, we will discuss about the most common molecular rearrangement, nucleophilic rearrangement. In the molecular rearrangement, we will discuss about molecular rearrangement. In the previous lecture, we know that in molecular rearrangement, the molecule changes its skeleton, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सामान्यतः molecular rearrangement के दौरान molecule अपना संरचनात्मक ढांचा है उसमें बदलाव कर लेता है. इस मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट के दौरान पिछली क्लास में मैंने विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि किस किस टाइप के मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट हो सकते हैं. उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट था वो था न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट. अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक जो रीअरेंजमेंट होता है, उस न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट में जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन द न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट द माइग्रेटिंग ग्रुप एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी माइग्रेटिंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा. या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि माइग्रेटिंग ग्रुप है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को धारित करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होगा. अपन ने पिछली क्लास में तीन टर्म्स के बारे में बात की थी. एक बताई थी आपको माइग्रेटिंग ग्रुप के बारे में, माइग्रेटिंग ग्रुप. सेकंड इज माइग्रेशन ओरिजिन. एंड थर्ड इज माइग्रेशन टर्मिनस. थ्री टर्म्स विल बी यूज्ड इन द माइग्रेटिंग ग्रुप. इन द न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट द माइग्रेटिंग ग्रुप एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. किसकी भांति तरह व्यवहार करेगा? न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा. क्लियर? अब देखिए, मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, इसका मतलब है कि माइग्रेशन टर्म ओरिजन से ये जब निकलेगा, तब ऐसी स्थिति में माइग्रेशन ओरिजन के साथ ये जिस बंध से जुड़ा हुआ था उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेके प्रतिस्थापित होगा. तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन द न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट द न्यूक्लियोफाइल या और माइग्रेटिंग ग्रुप रिटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड एंड माइग्रेटेड फ्रॉम माइग्रेशन ओरिजिन टू द माइग्रेशन टर्मिनस. और मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि सामान्यतः माइग्रेशन टर्मिनस कैसा होगा, सामान्यतः पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होगा. तो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट के लिए परिभाषा दे सकते हैं अपन, डेफिनेशन दे सकते हैं कि इन द न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट द माइग्रेटिंग ग्रुप विल बी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और इट कैन बी से द माइग्रेटिंग ग्रुप रिटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड एंड माइग्रेटेड टू द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट सेंटर. यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो माइग्रेशन टर्मिनस कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होगा. पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कह दीजिए या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कह दीजिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक जो रीअरेंजमेंट है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एक टाइप है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, उसमें माइग्रेटिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होता है, माइग्रेशन ओरिजन जिस माइग्रेशन ओरिजिन तथा माइग्रेटिंग ग्रुप जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है उस बंद के इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेटिंग ग्रुप के साथ ही स्थानांतरित होते हैं और माइग्रेशन टर्मिनस है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है. कहने का तात्पर्य है कि इस न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं. यह आपने लिया कार्बन जिसके साथ कोई जी ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी चार मैंने इस टाइप से कंप्लीट की और ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है. इसको मैं कह देता हूं, चूंकि ये ग्रुप यहां से यहां स्थानांतरित होगा इसलिए ये कहलाता है माइग्रेशन टर्मिनस, टर्मिनस. और
चूंकि ये स्थानांतरित हो रहा है इसलिए इसको हम कह देते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप, माइग्रेटिंग ग्रुप। और जहां से वो रिप्लेस हो रहा है वो सेंटर क्या कहलाता है, ये सेंटर कहलाता है माइग्रेशन ओरिजन, माइग्रेशन ओरिजन। अब देखिए ये चेंज होता है इस टाइप से, यहां से यहां कन्वर्जन हो जाता है, या मैं ऐसे कहूं कि माइग्रेशन की प्रक्रिया होती है और ये इस तरीके से चेंज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और ये आपका जी ग्रुप। अब देखिए इसमें जो ये जुड़ा हुआ है जी ग्रुप, माइग्रेटिंग ग्रुप, ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेके स्थानांतरित होता है, यहां से यहां जो शिफ्टिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की भांति। और न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार कर रहा है इसका मतलब सीधा सा अर्थ हो गया कि ये किस टाइप का रीअरेंजमेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है। चूंकि न्यूक्लियोफाइल के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसलिए ऐसे रीअरेंजमेंट को एनायनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी कह दिया जाता है, एनायनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट को एनायनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है। इसमें सामान्यतः जी ग्रुप अपने बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर और माइग्रेशन टर्मिनस वाले सेंटर यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर माइग्रेट होता है। अब देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि सामान्यतः माइग्रेशन जो ग्रुप, माइग्रेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो माइग्रेटिंग ग्रुप कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई एरिल ग्रुप हो सकता है, हाइड्राइड हो सकता है, कोई हेलो ग्रुप हो सकता है, कोई एमिनो हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, इसके अलावा रिंग रेजिड्यू हो सकती है, साइड चेन हो सकती है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये सारे के सारे माइग्रेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैंने पिछले लेक्चर में यह भी बताया था कि माइग्रेशन ओरिजन और माइग्रेशन जो टर्मिनस है ये सामान्यतः जो सेंटर होते हैं इनमें जो सेंटर वाला एटम है ये सामान्यतः कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो सकता है। और इस आधार पर इस न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन किया था कि ये जो माइग्रेशन टर्मिनस सेंटर है ये किस टाइप का सेंटर है, कार्बन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। अगर कार्बन है तो इस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट फर्दर क्लासिफाइड हो जाएगा कि माइग्रेशन जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, तो अपन लिखेंगे माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। अगर वो नाइट्रोजन पर हो रहा है तो हम लिखेंगे माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन। अगर वो ऑक्सीजन पे हो रहा है तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन। तो ये कहलाता है सामान्यतः न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट का टाइप्स, जिनमें सामान्यतः है मैंने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट में माइग्रेशन टर्मिनस कैसा सेंटर है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। अब ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखनी है कि सामान्यतः जो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेकर स्थानांतरित होता है, तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। अब ध्यान रखना है कि ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप वाली कंडीशन आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये एडजेसेंट एटम वाली स्थिति हो यानी माइग्रेशन ओरिजन और माइग्रेशन टर्मिनस ये एक दूसरे के पास पास उपस्थित हैं, तब ऐसी स्थिति में रिप्लेसमेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है या माइग्रेशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। और ऐसा जो माइग्रेशन होता है उसको हम कह देते हैं वन टू माइग्रेशन। इसे क्या कहा जाता है, वन टू माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है, जो पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी। अब मैं फर्दर क्लासिफिकेशन के दौरान चर्चा करूंगा माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट के फर्दर क्लासिफिकेशन बता दिया था, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट ये तीन टाइप का हो सकता है, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, एंड थर्ड माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। इनमें मैं पहले
चर्चा करूंगा, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन के वाले की चर्चा करूंगा। अब देखिए, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन की बात करता हूं तो सामान्यतः इसमें जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो माइग्रेशन ओरिजिन से निकलकर माइग्रेशन टर्मिनस तक जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन है ये कौन सी सेंटर की बात करना चाहता है? माइग्रेशन टर्मिनस सेंटर की। माइग्रेशन टर्मिनस सेंटर, अगर माइग्रेशन टर्मिनस सेंटर ऐसा है तब ऐसी स्थिति में जो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होगा वो कहलाएगा माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन। अब ध्यान रखना, मैंने यह चर्चा की है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन, कार्बन ऐसा सेंटर हो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो ऐसी स्थिति में हम उसको, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज आते ही वो क्या हो जाता है? कार्बोकेटाइन कहलाता है। इसका मतलब है कि जो रीअरेंजमेंट होगा वो कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट होगा, यानी इस टाइप का जो रीअरेंजमेंट होगा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट उसको हम कह देंगे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। अब ये जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है इसमें माइग्रेटिंग ग्रुप जो है वो माइग्रेट होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन सेंटर पर, और इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन सेंटर पर होगा तो चूंकि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट को कार्बोकेटाइन कहा जाता है, तो कार्बोकेटाइन वाली ऐसी कोई भी स्पीसीज या ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंतर्गत कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी अगर उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज होता है या मैं ऐसे कहूं कि संरचनात्मक ढांचा बदलता है तब ऐसी स्थिति में वो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट किसके अंतर्गत आ जाता है? माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन के अंतर्गत। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि सामान्यतः माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए या किसी ग्रुप का स्थानांतरण होता है, ऐसा क्यों होगा? तो उसके ध्यान लिए ध्यान रखना है कि जैसे ही स्थानांतरण होगा, कन्वर्जन होगा, तो उसके फलस्वरूप स्टेबिलिटी राइज अप होनी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। भाई अगर अपन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो रीअरेंजमेंट होने के फलस्वरूप जो नई स्पीसीज बने वो पूर्व की स्पीसीज से क्या होनी चाहिए? मोर स्टेबल होनी चाहिए, तभी तो रीअरेंजमेंट की प्रक्रिया होगी। अगर वो पहले से ही ऑलरेडी स्टेबलाइज है तब उसमें कोई अन्य कारक हो सकता है कि उसमें रिंग स्ट्रेन आया, उससे रिलीफ मिले रीअरेंजमेंट होने के बाद में। तो कुल मिला के ये जो कंडीशन है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की, उसके लिए ये शर्त है कि सामान्यतः कार्बोकेटाइन के जैसे रीअरेंज प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल होना चाहिए, यानी रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहला आ जाता है पिनाकोल, पिनाकोलोन कोलोन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसी से एक जुड़ा हुआ है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में सामान्यतः डायोल की बात करते हैं, अगर डायोल न होकर यानी दो हाइड्रोक्सी समूह न होकर कोई अन्य एक अन्य समूह उपस्थित हो OH के अलावा, तब ऐसी स्थिति में अपन उसे सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कह देते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसके अलावा और महत्वपूर्ण इसी के अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं, वो आती है आपकी दूसरी आ जाती है वेगनर मीरवाइन रीअरेंजमेंट, वेगनर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। थर्ड टिफ्यूनियो डेमजानो रीअरेंजमेंट, फोर्थ इज डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, फिफ्थ वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। आज मैं चर्चा करूंगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखिए ये सारी के सारे ऐसे रीअरेंजमेंट है जिसके अंतर्गत माइग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कार्बन के ऊपर। पहले मैं चर्चा कर लेता हूं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में। ये जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है इसमें सामान्यतः जो पिनाकोल है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, पिनाकोल की रिएक्शन को सामान्यतः है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तब ऐसी स्थिति में एक स्टेबल कीटोन प्राप्त होगा जिसको हम सामान्यतः क्या कह देते हैं?
पिनाकोलोन कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, पिनाकोलोन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब पिनाकोलोन जो रीअरेंजमेंट है इसे पिनाकोलिक रीअरेंजमेंट भी कह देते हैं कई बार। तो इस प्रक्रिया में जो सामान्यतः है पिनाकोल को सामान्यतः एसिड की उपस्थिति में एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और ये रीअरेंज होकर आपको एक स्टेबल कीटोन जिसे पिनाकोलोन कहा जाता है प्राप्त होता है। तो पहले ही मैं चर्चा कर लेता हूं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखिए इसमें सामान्यतः क्या करते हैं, ये जो पिनाकोल है इस पिनाकोल को आपको मॉडरेटली सल्फ्यूरिक एसिड है या H प्लस आयन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है, तत्पश्चात हमारे को रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप एक कीटोन प्राप्त होगा, उसको हम कह देते हैं पिनाकोलोन। अब यहां जो शब्द आ रहा है पिनाकोल, ये पिनाकोल जो है वो सामान्यतः डाइटर्सरी डाइओल को क्या कहा जाता है, पिनाकोल कहा जाता है। डाइटर्सरी डाइओल क्या कहलाता है, पिनाकोल। इस सीरीज का पिनाकोल सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है 2,3-dimethyl butane 2,3-diol, इसको अपन सिंपलेस्ट पिनाकोल के नाम से भी जानते हैं। ये था आपका CH3 CH3 OH CH3 CH3। इस पिनाकोल की रिएक्शन करवानी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूं H प्लस आयन के साथ, और जैसे ये रिएक्शन होगी आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। अब देखिए मैंने कहा कि ये केवल रीअरेंजमेंट है, माइग्रेशन की प्रक्रिया होकर वही आपके 4-methyl समूह है तो 4-methyl समूह ऑक्सीजन है। अब इसमें से ध्यान रखिएगा आपको जैसे ही H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करवाओगे, H प्लस आयन के साथ रिएक्शन कराने पर चूंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ रिएक्शन करके H2O के रूप में रिमूव हो जाता है। तत्पश्चात जैसे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो कार्बोकेटाइन पर मेथिल समूह का माइग्रेशन हो जाता है। तो इसीलिए पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के अंतर्गत रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। अब देखिए मैंने कहा कि ये कहलाता है आपका पिनाकोल और ये कहलाता है पिनाकोलोन। ये आपका 1,2,3,4 ये आपका 1,2,3,4 आपको एक स्टेबल कीटोन प्राप्त होगा। अब इसके मैकेनिज्म में होता क्या है, देखिए ये जो पिनाकोल है ये सबसे पहले पिनाकोल में जो OH समूह है उस OH समूह पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन के साथ रिएक्शन करके H2O निर्मित कर लेता है, ऑक्सोनियम कैटायन बनाता है। ये ऑक्सोनियम कैटायन में से H2O क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जैसे रिमूव होगा देखिए ये लिया आपने CH3 COH CH3 CCH3 CH3 OH OH। चूंकि ये कैसा है, सिमेट्रिकल डायोल है। मैं अनसिमेट्रिकल डायोल की भी बात करूंगा कि अनसिमेट्रिकल डायोल आ जाए तब ऐसी स्थिति में इसके माइग्रेशन के फलस्वरूप कैसा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तब ऐसी स्थिति में एक शब्द आ जाता है जिसको हम कह देते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब है कि सामान्यतः कौन सा ग्रुप माइग्रेट हो वो डिपेंड करेगा इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऊपर, वो अनसिमेट्रिकल डायोल के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। चूंकि अभी यहां बात चल रही है सिमेट्रिकल डायोल की, यानी दोनों चारों के चारों जो समूह है वो समान है, तब ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के पास किसी भी एक ऑक्सीजन के पास उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है H2SO4 में से प्राप्त H प्लस आयन के साथ ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा। जैसे रिएक्शन करेगा आपको CH3 OH OH CH3 C OH H और ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ये आपका CH3 और ये CH3। चूंकि ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज संभव नहीं, ये अपने बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाता है, यानी H2O रिमूव निकल जाता है। जैसे H2O निकला, CH3 COH CH3 C पॉजिटिव चार्ज, ये आपका CH3 ये CH3 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि कार्बोकेटाइन बना। अब ध्यान रखिएगा, इस कार्बोकेटाइन में चूंकि ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर ये कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा तो भी कौन सा बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन चूंकि रीअरेंजमेंट क्यों हो, माइग्रेशन क्यों हो, तो माइग्रेशन जैसे ही होगा, अब चूंकि यहां दोनों के दोनों माइग्रेटिंग होने वाले समूह कैसे हैं, मेथिल समूह है, तो जैसे ही ये माइग्रेट होगा तो ऐसी स्थिति में आपको नया कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा, CH3COH पॉजिटिव चार्ज CH3CH3CH3। अब चूंकि ये जो भी कार्बोकेटाइन टर्सरी था और ये कार्बोकेटाइन भी टर्सरी है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है ड्यू टू लोन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्थिति में जैसे ये इन्वॉल्वमेंट होगा तो चूंकि इसका ये जो स्पीसीज है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट होगा तो स्टेबिलिटी राइज अप होगी, इसीलिए ये माइग्रेशन की प्रक्रिया हो जाती है। और जैसे ये माइग्रेशन होगा तो ऐसी स्थिति में CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच सी CH3 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 और ये आपका पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से माइनस एच रिमूव करके और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 और CH3। इसको बोलते हैं पिनाकोलोन, क्लियर, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 1 2 3 4। तो ऐसे इस तरीके में 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2-ON इसे कहा जाता है। ये थी मैकेनिज्म जिसके अंतर्गत कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब किस प्रकार का कार्बोकेटाइन निर्मित होगा, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।